एम डॉक्टर शिखा शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूट्रीवेल। तो हमारे यहाँ लाखों इंक्वायरीज रोज आती हैं और कई लोग कहते हैं हम आपका प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या कुछ हमारे लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ कुछ अपनी डाइट ठीक कर पाएं और थोड़ा सा वजन घटा पाएं। तो आप सबके लिए हम एक ये स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हर दिन मैं आपको प्लान बताऊंगी कि आप क्या खा सकते हैं और अपने को कैसे आपका वेट आप कम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे विच इज डे वन। तो डे वन है आपको जब आप सुबह उठेंगे, तो डे वन में आपको सुबह उठ के जैसे जो आयुष का जो क्वाथ है, जो काढ़ा है, वो आपको पीना है और एक ग्लास। उसके बाद नाश्ते में आपको बेसन का चीला बनाना है बहुत कम ऑयल के साथ, और जो ऑयल आप यूज़ करेंगे वो तिल का ऑयल यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ना बनाएं। और बेसन चीला बनाने में आप थोड़ी हरी मिर्ची डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो एक चीला आपको खाना है, और बट बेसन चीला खाने से पहले आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले आपको तरबूज यानी वाटरमेलन का एक बड़ा बोल खाना है। सो बेसिकली जो आपका ब्रेकफास्ट होगा, पहले आप बड़ा बोल वाटरमेलन का खाएंगे, 15-20 मिनट बाद आप बेसन चीला खाएंगे मीडियम साइज का, उसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं आप। बट नमक बहुत कम खाइए, यानी डोंट पुश टू मच सॉल्ट इन दैट हरी चटनी। हरी चटनी धनिया पुदीना प्याज इसकी आप बना सकते हैं। उसके साथ फिर आप चाय ले सकते हैं, एक कप चाय, बट चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका नाश्ता, जो कि बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बेसन जो है उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ये वजन घटाने में मदद करता है। बेसन का एक और फायदा है कि ये लोग जो डायबिटिक हैं वो भी खा सकते हैं। इसके बाद लंच का जब समय आए, जो हमने आमतौर पर लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं होता, हमारा पेट नहीं भरता, उसका ये कारण है कि आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर खा रहे हैं। जितना रिफाइंड खाएंगे आपका पेट कभी नहीं भरेगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक थियरी कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक्स। तो वॉल्यूमेट्रिक्स का मानना है कि आपका पेट कभी नहीं भरेगा अगर आप रिफाइंड खाना खाएंगे। तो ये जायज़ है कि आपको जो लंच खाना है उसमें थोड़ा सा आपको वॉल्यूम देना है ऑफ फूड्स विच आर नॉट फैटनिंग। सो एक प्लेट आपको सैलड खाना है, और इसमें कम से कम एक खीरा और दो टमाटर स्लाइस होने चाहिए, यानी एक खीरा दो टमाटर का आपको सैलड खाना है लंच से पहले। आप वैसे तो ये लंच का पार्टी है, बट बिफोर यू हैव द मेन मील ये आपको एक प्लेट सैलड खाना है। फिर लंच में आप खाएंगे बेसन और आटा के मिक्स्ड एक रोटी। अगर आप उसको थोड़ा सा हैवी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा लौकी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बट बेसन और आटा आधा आधा होना चाहिए, और उसमें लौकी कद्दूकस करके उसकी एक रोटी आप खाएंगे, या दो छोटी रोटी, यानी दो, क्योंकि कई लोगों की जो रोटी होती है बहुत बड़ी होती है, तो या तो दो स्मॉल साइज़ की रोटी होगी या एक बड़ी साइज़ की रोटी होगी, डिपेंड्स। अगर आप, मुझे पता है लेडीज़ कोशिश करती हैं कि बार बार क्या बनाना, तो हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो एक ही बनाएंगे। तो उसमें आप थोड़ा धनिया डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं। तो बेसन और आटा की आप एक रोटी खाएंगे। अगेन बेसन और आटा को मिलाने का फ़ायदा क्या है कि आटा एक्चुअली बहुत फैटनिंग होता है। शायद लोगों को नहीं पता कि आप आटा अगर खा रहे हैं तो उससे आपका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो आटा आप 100% नहीं खा सकते हैं, उसमें कम से कम 50% आपको बेसन का जो अनाज है, बेसन का जो आटा है वो मिलाना है। इसके साथ आप एक सब्जी खा सकते हैं, जो सब्जी है जैसे आजकल सीजनल सब्जी भिंडी है, भिंडी आप खाइए, और भिंडी को कोशिश कीजिए डीप फ्राई ना करें, और उसको आप तिल के ऑयल में बना सकते हैं, या और ऑयल का थोड़ी मात्रा कम रखें। तो सैलड हो गया आपका, दो मिक्स आटे की रोटी हो गई, और आपके सब्जी हो गई। कोशिश करें दही सही नहीं साथ में नहीं खानी है। आई नो बहुत से आपके लोग, आप लोग सोच रहे होंगे अरे दही तो हम बहुत लंच में खाते हैं, यही तो कारण है आपके वेट बढ़ने का, क्योंकि डेयरी यानी दूध और दही जिस चीज़ के साथ मिल जाता है उसका वजन बढ़ाता है। यानी जैसे दलिया और दूध आप साथ खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, तभी तो बच्चों को दलिया दूध दिया जाता है। जिस चीज़ के साथ भी आप दूध या दही मिलाएंगे तो वो आयुर्वेद कहता है कि उससे आपका वजन बढ़ेगा। यानी वजन बढ़ाना है तो दूध और दही अकेले खानी है, साथ नहीं खानी। तो हाँ, आपको अगर दही पसंद है, छाछ पसंद है, तो एक बहुत पतली सी छाछ आप बना सकते हैं जो आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। आपको याद रखना है कि खाना खाने के साथ नहीं खाना आपको दही, आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद एक बहुत पतली छाछ, बहुत पतली लस्सी करके उसमें आप थोड़ा सा जो है क्यूमिन है उसको रोस्ट करके डाल सकते हैं, बट नमक नहीं डालना है उसके अंदर। तो ये आप ले सकते हैं।
और उसके बाद शाम को 6 बजे के करीब आप चाय ले सकते हैं। चाय के साथ 1 टेबलस्पून यानी 15 ग्राम्स 1 टेबलस्पून आप मूंगफली ले सकते हैं, रोस्टेड मूंगफली। और उसके बाद रात के समय, और कोशिश कीजिए कि जो चाय है वो लो फैट दूध की हो, और चीनी तो बिल्कुल नहीं लेनी आपको, मतलब चीनी तो डाइट में बिल्कुल नहीं लेनी अगर आपको वजन कम करना है, क्योंकि अगर आप रोटी कम भी खाएं बट चीनी खा रहे हैं तो वजन कम नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप रोटी खाइए, न्यूट्रिशन खाइए, चीनी बंद कीजिए, चीनी से वजन कम नहीं हो सकता। और रात के समय फिर आप प्लीज अपना खाना सूर्य अस्त के आधे घंटे के अंदर खा लीजिए, यानी जब सूर्य अस्त होता है उसके विद इन हाफ एन आवर आपको खाना खाना चाहिए। उसके बाद मेटाबॉलिज्म आपका तेजी से नीचे गिरता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जा रहा है और आप उसको ओवरलोड कर रहे हैं खाना खा के, तो वजन कैसे कम होगा। तो सूर्य अस्त के हाफ एन आवर बाद आप प्लीज खाना खा लीजिए। और खाना खाने में आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप कोल्ड सूप यानी टमाटर का जो सूप बनता है, जो हम समर्स विंटर्स में गर्म खाते हैं पीते हैं, तो उसको ठंडा करके फ्रिज में उसके अंदर ऊपर से मिंट वगैरह डाल के उसमें अदरक डाल के ठंडा सूप है उसका 2 बोल आप पीजिए, 2 मीडियम बोल पीजिए। और जो आपने रोटी जो दिन में बनाई थी वैसी ही शाम को 1 रोटी, अब 2 नहीं खानी आपको, 1 खानी है, क्योंकि बेसन आपको बताया कि रात के समय ज़्यादा हैवी नहीं खाना हमें, तो 1 रोटी और आप जो सब्जी है वो आप जो भी आपकी पसंद की सब्जी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोभी की सब्जी आजकल आती है तो गोभी की सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। और सूप हो गया, बेसन आटे की रोटी हो गई और गोभी की सब्जी हो गई, तो ये आपका डिनर होगा। रात के समय 2 कैप्सूल त्रिफला के ज़रूर खाइए, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप कितना भी कम खा लीजिए आपका वज़न कम नहीं होगा। डाइजेशन सही करने के लिए त्रिफला से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कल मैं आपको फिर बताऊंगी एक न्यू डाइट प्लान, मगर याद रखिए ये डाइट प्लान एक जनरल डाइट प्लान है, ये आपकी प्रकृति के हिसाब से नहीं है। अगर आपको प्रकृति के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, और हमारी इतनी सारी जो ट्रेन डाइटिशियंस हैं जो मैंने पर्सनली ट्रेन करी हैं आपको सपोर्ट करेंगी, गाइड करेंगी, मेंटर करेंगी, हेल्प करेंगी, क्योंकि पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान सही डाइट प्लान है और उसी से आपको एक्चुअली आपके मेडिकल कंडीशन सही होंगी। हाँ, दूसरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ये जनरल डाइट प्लान आपके लिए शायद इतना सूटेबल नहीं होगा, आपको एक पर्सनल डॉक्टर से बात करनी होगी। हमारे पास बहुत सारे वैदिक डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके ही आपको एक आपका पर्सनलाइज प्लान बताया जा सकता है। सो कीप हेल्दी, स्टे फिट, और हाँ याद रखिए कि आपका शरीर ही आपकी सही में आपकी पूंजी है। योर हेल्थ इज योर वेल्थ।